जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केत हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के राजगंज हाई स्कूल मैदान में और मेरे साथ एक बहुत ही अच्छी सिंगर मौजूद है, सिंगर सरिता राज। आज उन्होंने मंच पे अपनी प्रस्तुति भी दी है और खोरठा में बहुत ही अच्छा गायन करती हैं। बड़ी ही सुरीली आवाज है इनकी, तो आइए इनसे बात करते हैं और कुछ बातें जानने की कोशिश होगी इनके सफर के बारे में। सबसे पहले जोहार। जोहार झारखंड। मैं सिंगर सरिता राज, आप सभी झारखंडी वासी को जोहार। सरिता जी, आपसे जानना चाहूँगी, कब से आपने सिंगिंग की शुरुआत की? सिंगिंग 2018 से थोड़ा मैं गाने लगी और 19 से बस गा रही हूँ। अच्छा, तो मतलब आप ऐसे प्रस्तुति देती हैं मंचों पर या इसके अलावा भी कहीं और प्लेटफॉर्म पे? मैं स्टूडियो में गाते हैं और ये मैं भक्ति जागरण करती हूँ। अच्छा, जागरण भी करती हूँ। भक्ति जागरण वाली, भक्ति जागरण। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, आप खोरठा में तो गाती है और किन किन भाषाओं में गाती है? मैं खोरठा, नागपुरी और हिंदी और ये छठ का गीत हो भोजपुरी तो भी गाते हैं। सब गा लेती हैं? यस। मतलब मुझे लगता है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो खोरठा, नागपुरी और भोजपुरी इन दो सब में गा लें, क्योंकि दो अलग अलग भाषाएं हैं। हाँ। तो कभी तकलीफ नहीं महसूस होती है? नहीं, मुझे गाने का बहुत शौक है, अच्छा लगता है मुझे गाने। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? मैं अभी तो फिलहाल राजगंज में रहती हूँ। अच्छा। और मेरा घर है हजारीबाग। हजारीबाग की है? यस। तो यहाँ पे पढ़ाई वगैरह आपकी वहीं पर हुई है? यहाँ पर नहीं, पढ़ाई मेरा वहाँ से है, हजारीबाग। हजारीबाग फिर यहाँ पर आए? हाँ। आप मैरिड हैं? मैरिड हैं। शादी कब हुई? मेरी शादी बहुत पहले, मेरे दो बच्चे भी हैं। दो बच्चे भी हैं? यस। फिर भी आप इतनी यंग दिखती हैं। अच्छा, ठीक है। एक बात जानना चाहूँगी, शादी के बाद बहुत सी जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं वो इन सब चीज़ों को छोड़ देती हैं, घर की जिम्मेवारियां होती हैं। मेरे घर में सारे परिवार मेरे सपोर्ट, मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं? यस। अच्छा। और मुझे गाने का शौक है तो मैं अपना गाने के लिए जहाँ भी हो हम तैयार रहते हैं गाने के लिए। अच्छा। तो आपके साथ वो आते जाते भी होंगे बहुत जगह? हाँ, आते जाते हैं, जब उनको टाइम मिला तो आते जाते हैं। आते जाते हैं। अच्छा, एक बात, आप बहुत सारी मतलब लोक कलाओं में इसी गिना जाता है जो आप लोग गीत गाती हैं। झारखंड में लोक कलाकारों की दशा जो है वो अच्छी नहीं है, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिलता, आप क्या सोचती हैं इसको? मुझे बस पब्लिक द्वारा भी प्रोत्साहन मिलता है तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हर कलाकार चाहता है कि मुझे प्रोत्साहित किया जाए ताकि जो लोग मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं वो ना देखें, क्योंकि हम स्टेज पे जाते हैं तो लोग मुझे घृणा करते हैं कि ये क्यों गाती है, और मैं कोई अश्लीलता गीत नहीं गाती हूँ, बस मैं भक्ति जागरण लोकगीत नागपुरी खोरठा मतलब जो सामाजिक है बस वही मैं गाती हूँ। अच्छा, गाने की आपका रुझान गाने की तरफ बचपन से था? मैं बचपन से, मुझे 2003 में जब मैं 6 क्लास में थी तो मुझे शिक्षा मंत्री उस समय और इंद्र सिंह नामधारी थे वो एक मंत्री, वो मुझे पुरस्कार दिए थे, एक मैं गीत गाई थी दहेज प्रथा पे, तो वो पुरस्कार दिए और मुझे बोले कि बेटा तुम गाओ तुम आगे बढ़ेगी। मैं बड़का गांव गर्ल हाई स्कूल से पढ़ाई की हूँ, मैं ग्रेजुएशन की हूँ, तो वो मुझे बोले, तब से मैं सोच रही हूँ कब गाएँ कब गाएँ, तो फिर मैं यहाँ राजगंज में शिफ्ट हुई तो मुझे सतीश भैया के साथ गाने के लिए मौका मिला, उसके बाद फिर उनके साथ गाना गाई, फिर मेरा खुद से चैनल बनाए सरिता राज प्रोडक्शन मेरा चैनल का नाम है, तो उसमें मैं 50-60 वीडियो डाले हैं। अच्छा। 50-60 वीडियो, उसके बाद मुझे जागरण के लिए लोग बुलाने लगे तो मैं जाती हूँ जागरण। चैनल पे दर्शकों का रिस्पांस कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, चलिए ठीक है। जो दर्शक हमारे हैं लाइव इंडियन गार्ड को देखते हैं वो भी इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सरिता जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोक कलाकार हैं, सरकार प्रोत्साहन तो नहीं देती, मान लीजिए सम्मान हुआ, दूसरा कि जब बूढ़े हो जाते हैं लोक कलाकार तो उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तो क्या उनके लिए पेंशन जैसी कोई योजना शुरू की जानी चाहिए? नहीं, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ मुझे भी लगता है कि सरकार तरफ से कलाकार को सम्मानित किया जाता तो उसके घर, उसका मतलब पड़ोसी या तो गांव समाज के लोग हीन भाव से नहीं देखते हैं, उसे सम्मानित करते हैं और जाने देते, लोग को प्रतिबंध लग जाता है, जाने नहीं दिया जाता है,
तो यदि प्रोत्साहन मिलता तो गार्जियन बोलता कि चलो हमारी बेटी है जा रही है गाने के लिए, तो मेरा सर ऊंचा हो रहा है जी। तो इसलिए जाने देता है, ऐसे तो जाने नहीं देता है लोग ना गाने के लिए। अच्छा, कुछ दो पंक्तियाँ अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें जो भी आपके दिल के बहुत करीब है उस गाने की। मैं एक गाना गाई थी जिसे मेरे शिक्षा मंत्री अवार्ड दिए थे, वो मैं गाना के सुना सकती हूँ। ये गाना है जी कुखी बेटा जन्म में वही कुखी बेटिया से वही कुखी बेटिया दूरंग नीतिया काहे कैला हो बाबू जी दूरंग नीतिया काहे कैला हो बाबू जी दूरंग नीतिया बेटा के काहे सिर माझू कवला से हमरे बेरिया काहे सिर माझू कवला से हमरे बेरिया। वाह, मंत्रमुग्ध कर देने वाली गायकी है। अच्छा एक बात और बताइएगा, कहीं ट्रेनिंग ली आपने या माँ सरस्वती की कृपा है? ट्रेनिंग मतलब अभी कुछ दिन मतलब ले रही थी मैं जी, तो छोड़ दी, लेकिन सरस्वती माँ का कृपा है, मुझे गाने के लिए कोई सिखाया नहीं, कोई नहीं, नहीं बस मैं म्यूजिक से अपना ये कोर्स कर रही हूँ, तो अभी बस फिलहाल मतलब गई हूँ, लेकिन गाने के लिए मुझे नहीं, बस सरगम वगैरह बस अभी वही शुरुआत की हूँ, लेकिन बस बचपन से मेरा गाने का शौक़ है और ये मेरा आशीर्वाद है माँ का। अच्छा एक बात और, आपके साथ में कौन है? ये हमारे भैया हैं, इस स्टेज पे हमको लेके यही आए हैं। अच्छा, मेरे रिश्तेदार के भैया हैं ये, तो ये मुझे स्टेज में लेके आए हैं। आज का स्टेज का पूरा मतलब इन्हीं का ये, अच्छा, इन्हीं हाँ, का योगदान से मैं यहाँ पे आई। तो आपने सुनी सिंगर सरिता राज की स्टोरी, बहुत ही छोटी स्टोरी थी, विस्तार में बातें करने के लिए अभी शायद वक्त हमारे पास उतना नहीं है, लेकिन हम फिर चाहेंगे कि इनसे विस्तार पूर्वक बातें हों। लेकिन सबसे बड़ी बात, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो खोरठा नागपुरी और भोजपुरी इन सब भाषाओं में गाते हों और एक साथ गाते हों। हालांकि बदलाव संकल्प महासभा जो है बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, टाइगर जयराम मैं तो आने वाले हैं, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ, आप बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।